पुरानी पेंशन की बात है, सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी चाहता क्यों है? मुझे याद है जब हम छोटे होते थे उस समय सर कहते थे कि भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए। उसके दो वजह थे। एक ये वजह थी कि सरकारी नौकरी है तो बेवजह कोई निकाल नहीं सकता, जबकि प्राइवेट में कोई जब मन चाहे मालिक निकाल देगा। सरकारी नौकरी ऐसी नहीं होती थी। दूसरी वजह ये होती थी कि पेंशन मिलेगा, 20 साल मेहनत करेंगे, सरकार में सेवा करेंगे तो उसके बाद हमें पेंशन मिलेगा और हम सही सलामत, हमारी सुरक्षा हो जाएगी नौकरी छोड़ने के बाद भी। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थिति यह है कि ज्यादातर जो सरकारी कंपनियां हैं इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं। किसने? मोदी जी ने, भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसने। आप नाम लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे BHEL है, HAL है, रेलवे है, आपको नौकरी मिलती थी, सुरक्षित नौकरी मिलती थी। सबसे पहले इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दी, कौड़ियों के दाम पे बेच दी, और उसके बाद उन्होंने जो आपका पेंशन था उसको एक नई स्कीम में बदल डाला। और इस नई स्कीम में आपसे पेंशन के पैसे हर महीने तो लिए जाते हैं 20 सालों के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उन पैसों का फिर कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ डाले जा रहे हैं। तो कल को कोई दिक्कत हो गई, कुछ गलत जगह डाल दिया और आपके पैसे खो गए, आपके पैसे गवा दिए इन्होंने, तो आप क्या करेंगे? तो सरकारी कर्मचारी आज ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, मैं समझा रही हूँ, लेकिन ये बात मुझे सरकारी कर्मचारियों ने ही समझाई थी कि वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई मैंने मेहनत की है, हर महीने तुमने मेरे वेतन में से थोड़ा थोड़ा पैसा सरकार ने निकाला है मेरे पेंशन के लिए, मुझे अपना पेंशन दे दो, मैं खुद उसकी हिफाजत कर लूंगा, मुझे कहाँ लगाने हैं वो पैसे, उनका क्या करना है, मैं खुद निर्णय ले लूंगा। लेकिन सरकार कह रही है नहीं भाई, इस काम को करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें हमारे प्रदेशों में जहाँ पे हमारी सरकार है वहां इस पुराने पेंशन की स्कीम को लागू कर रही है। तो चाहे आप हिमाचल प्रदेश ले, चाहे आप राजस्थान ले, चाहे आप छत्तीसगढ़ को देखें, तीनों में कांग्रेस की सरकार है और पुराना पेंशन लागू है। तो हम कह रहे हैं कि भाई जनता की भलाई है, कर्मचारी 20 साल काम करता है उसका हम आदर करते हैं, उसकी ये मांग है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे नहीं है,